और मोदी कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, गृह रक्षा वित्त खुद रखेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखेगी भारतीय जनता पार्टी। सीसीएस वाले मंत्री पद पर बीजेपी समझौता नहीं करेगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीसीएस वाले मंत्री पद पर बीजेपी समझौता नहीं करेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज शाम को पीएम मोदी का राजतिलक होना है, मगर उससे पहले दिल्ली में हलचल तेज है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। सुबह के वक्त पीएम मोदी ने बापू और अटल जी को याद नमन किया है। इसके बाद संभावित मंत्रियों को फोन आने शुरू हुए हैं। थोड़ी देर में संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चाय पर मुलाकात होनी है और थोड़ी देर पहले ही जेपी नड्डा शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि शाम को शपथ समारोह है, उसके बाद नड्डा के आवास पर डिनर होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संभावित मंत्रियों को फोन आने यहां पर शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी संभावित मंत्रियों के साथ अब से थोड़ी देर बाद चाय पर मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सुबह 11:30 बजे चाय पर चर्चा संभव है। संभावित मंत्रियों को बुलाया जा सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। संभावित मंत्रियों को बुलाया जा सकता है। पीएमओ जाएंगे आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहां पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्र में हुई है और देश में भी हुई है, तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी वैसे कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं। हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से ठीक है। जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे वोट बोलियो देंगे वो वोट बोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूंगा। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर एनडीए के सभी सांसदों ने खड़े होकर समर्थन किया है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने बताया है कि वो पीएम मोदी के साथ चाय पीने जा रहे हैं, उनको जेपी नड्डा का कॉल आया है। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के सांसद हैं, वो पीएम मोदी के साथ चाय पीने जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर को कॉल आया है, जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। रामनाथ ठाकुर जी, आपके पास फोन किसका आया और कब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? 8:35 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर बुलाहट, उसमें जाऊंगा। उसके बाद निमंत्रण पत्र मिला जी। निमंत्रण पत्र जरा दिखाइए, इसमें निमंत्रण पत्र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, निमंत्रण पत्र भी आ चुका है इनके पास, रामनाथ ठाकुर के पास, और निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पहले से ही हम लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद है, लंबा तजुर्बा है, वो मंत्री बनेंगे। कौन सा मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर का मंत्री, क्या तय हुआ है पार्टी की तरफ से? अब ये हमको नहीं जानकारी है, वहाँ जो जिस पद के लिए शपथ दिलाएंगे उस पद शपथ लेंगे। आगे आपकी प्राथमिकता क्या होगी, बिहार को आगे बढ़ाने में कैसे योगदान करेंगे? बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को, उनके निर्देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया है और इसके पहले प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिया है, सम्मान से नवाजा है आपके पिता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को। कैसे देख रहे हैं, पहले भारत रत्न पिताजी को, उसके बाद आपको मंत्री पद? मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और श्री नीतीश कुमार जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई है।
अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में बैठक हुई, इसमें यहाँ पर चर्चा हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में यहाँ पर बैठक हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जीतन राम मांझी भी शामिल हुए और शपथ ग्रहण से पहले अब सियासी हलचल काफी तेज है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में बैठक हुई है, जीतन राम मांझी भी बैठक में शामिल रहे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं आपको मोदी तीन की बड़ी बातें। अमित शाह की कैबिनेट में वापसी तय है, राजनाथ सिंह की कैबिनेट में वापसी तय है, जेपी नड्डा बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री, शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री, जेडीयू कोटे से ललन सिंह बनेंगे कैबिनेट मंत्री, मनोहर लाल खट्टर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, आरएलडी कोटे से जयंत चौधरी बनेंगे केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंत्रिमंडल में वापसी तय है, नितिन गडकरी पीयूष गोयल की वापसी तय है, राव इंद्रजीत बन सकते हैं मंत्री, किरण रिजिजू की भी वापसी लगभग तय है, रामदास आठवले की भी वापसी तय है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।